बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगेन एक वीडियो है दुबई टू सऊदीया बाय रोड। ये कुछ नए सवाल आए थे तो मैंने कहा उसका जवाब दे दूं, ताकि जो लोग सिमिलर टाइप के जिनके क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर उसका आंसर मिल जाए। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो जो यकीनन आपका सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल ये है कि जो लोग सऊदीया ट्रैवल करके आ चुके हैं और जिन लोगों ने ट्रिप टिकट बनवाया था उसमें 500 दिरहम रिफंडेबल डिपॉजिट था, वो किस तरीके से वापस मिले। देखें, आपने जब ट्रिप सर्टिफिकेट बनवाया था और ट्रिप टिकट बनवाया था तो 500 दिरहम रिफंडेबल हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आरटीए के हैप्पीनेस सेंटर, या तो आप बर्षा में चले जाएँ या फिर डेरा में चले जाएँ। मैं इनफैक्ट अभी बर्षा के हैप्पीनेस सेंटर पर हूँ, मैं किसी और काम से आया था लेकिन मैंने कहा ये वीडियो बना दी जाए। आपको अपना ट्रिप टिकट वहाँ पर लेकर जाना है और उनको कहना है कि जी मेरे जो 500 दिरहम डिपॉजिट है वो मुझे वापस चाहिए। वो यकीन 100% आपसे ये कहेंगे कि जी आपका ये इसकी वैलिडिटी 1 साल तक है, तो आप एक को 1 साल बाद मिलेगा। आप उनसे कह दें कि जी मुझे दोबारा ट्रैवल नहीं करना है तो मेरा डिपॉजिट आप वापस कर दें। अगर तो आपने वहाँ पर कैश पे किया था ट्रिप टिकट बनवाने के लिए आरटीए के ऑफिस में, तो वो आपको कैश पे कर देंगे, जिसके बहुत मिनिमम चांसेस हैं। वो आपसे अकाउंट की डिटेल ले लेंगे, वो आपके अकाउंट में भेज देंगे। अदरवाइज़ अगर आपने ऑनलाइन पे किया था तो वो आपके अकाउंट में जो, या अगर कार्ड से पे किया तो वो आपके कार्ड में वापस आ जाएंगे। तो ये तरीके का है आप किस तरीके से अपना जो रिफंड है डिपॉजिट वो वहाँ पर वापस ले सकते हैं। नंबर टू जो एक क्वेश्चन है, कल एक भाई का भी आया था कि जी मेरे जो वीज़े की वैलिडिटी है यूएई के वीज़े की वैलिडिटी वो 2 महीना है, तो क्या मैं ई वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं भाई, वीज़ा उस पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी वीज़े की जो सऊदीया की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आपका वीज़ा 90 डेज होना चाहिए वैलिड यूएई का अप्लाई करने के टाइम। मेरा इनफैक्ट कल ये हुआ है, कल मेरी बेटी का वीज़ा जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो रहा है यूएई का 9 जुलाई को। तो उसका कल मैंने वीज़ा अप्लाई किया, 93 डेज बन रहे थे तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया, फ़ौरन आ गया। लेकिन अगर 89 डेज होते, इनफैक्ट 90 डेज भी होते तो उसके कम चांसेस है आपका वीज़ा नहीं आता। तो जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, भले उनको ट्रैवल बाद में करना है लेकिन उनका वीज़ा 4 महीने में एक्सपायर हो रहा है, तो अगर उनके 93 डेज़ भी हैं, 92 डेज़ भी हैं, तो वो वीज़ा अप्लाई करें, उनका सऊदीया का ई वीज़ा फ़ौरन ही आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद जो अगला सवाल जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है, आप सऊदीया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोगों का लिखा हुआ आ जाता है सेंड टू एम्बेसी या अंडर रिव्यू, उस सूरत में आपका वीज़ा होल्ड हो जाता है। तो कुछ लोग वेट कर रहे हैं जिसके चक्कर में उनको है ना काफ़ी वेट करना पड़ा और कोई जवाब नहीं आता। अगर आप कॉन्सुलेट जाते भी हैं तो वह बहुत लंबी लाइन है, आपका नंबर नहीं आता। तो मैं आपको पहले भी एडवाइस कर चुका हूँ, आप जो आपने अप्लाई किया है सेंड टू एम्बेसी आ रहा है या अंडर रिव्यू आ रहा है, आप अपनी उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर दें। जब आप कैंसिल कर देंगे तो आपका जो अमाउंट है ना वो तो रिफ़ंड आ जाएगा आपको, उसको महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। जो वीज़े की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली $80 हैं, वो आपकी वापस आ जाएगी, लेकिन जो एप्लीकेशन के चार्जेस हैं या इंश्योरेंस के पैसे, वो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। अगर $80 को आप मल्टीप्लाई कर लें 3.65 से, तो एटलीस्ट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 300 दिरहम आपको वापस मिल जाएंगे जो आपने वीज़े की कॉस्ट पे की है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यकीनन कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई होगी जब भी ये लिखा हुआ जाता है सेंड टू एम्बेसी, वरना आप उसके कैंसिलेशन के बाद आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा फ़ौरन आ जाएगा। लेकिन जो वीज़ा आपको फॉर्म फिल करना है वो बड़े प्रॉपर तरीके से, हर फील्ड को आप तरीके से फिल करें। आपका फैमिली नेम हो गया, आपका ग्रैंड जो मतलब फादर है उनका नाम, आपके फादर का नाम प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, जो आपके पासपोर्ट पर या वीज़े पर लिखा हुआ है अरेबिक इंग्लिश दोनों में। इंशाल्लाह उस पर आपके रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक और सवाल कि जी गाड़ी कौन से मॉडल की, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, गाड़ी का कोई मॉडल की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त हैं वो अभी 2002 के मॉडल पर होकर आए हैं, तो गाड़ी आपकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि गाड़ी आपको ड्राइव करनी है। तो गाड़ी अगर आपकी प्रॉपर मेंटेन है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, भले आप कोई सा भी मॉडल लेके जाएं, लेकिन गाड़ी आपकी जो है वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए ट्रैवल करने के लिए। उसके अलावा एक सवाल जिसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ भाई, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। सवाल ये आता है कि जी मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त की गाड़ी है, मैं किस तरीके से उसकी गाड़ी लेकर जाऊँ वो अगर मेरे साथ सफ़र नहीं कर रहा।
या मेरे भाई की गाड़ी है या मेरे फादर की गाड़ी है और मैं ट्रैवल नहीं कर रहा, तो मैं किस तरीके से उसकी गाड़ी ड्राइव करके ले जा सकता हूँ। देखें, उसके लिए वैसे तो आप ट्रिप टिकट की ज़रूरत नहीं है अगर आपके अपने नाम पर गाड़ी है। अगर आपके अपने नाम पर गाड़ी नहीं है उसके लिए आपको ट्रिप टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए तरीके गाड़ी में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर गाड़ी मेरे नाम पर है और मेरा दोस्त मेरी गाड़ी लेके जाना चाह रहा है, तो मैं अपने दोस्त को लेके जाऊंगा आरटीए, जहां मैं करूं आरटीए हैप्पीनेस सेंटर बरशा में या फिर डेरा में, वहां पर मैं अप्लाई करूंगा ट्रिप टिकट। ट्रिप टिकट आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप वहीं जाके इस सिनेरियो में वहीं जाके अप्लाई करें। उसकी रीज़न ये है कि आप टूर सर्टिफिकेट भी सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। आप उनको लेके जाएंगे, मेरे डॉक्यूमेंट लेंगे, मेरी पासपोर्ट, वीज़ा पेज, एमिरेट्स आईडी, गाड़ी का मुलकिया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिप टिकट बन जाएगा। अब जब टूर सर्टिफिकेट की बारी आएगी, टूर सर्टिफिकेट के लिए क्या होगा कि मैं अपने भी डॉक्यूमेंट जमा कराऊंगा और अपने दोस्त के डॉक्यूमेंट भी जमा कराऊंगा। दोस्त का पासपोर्ट, वीज़ा पेज, एमिरेट्स आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जमा कराने हैं। यहाँ पर एक बड़े ख्याल रखने की बात यह है कि जब आप टूर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, आप कह देंगे जी मैं ट्रैवल नहीं कर रहा, मेरा दोस्त ट्रैवल करेगा, तो इस टूर सर्टिफिकेट में इसका नाम मेंशन होना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों मुझे कॉल सिमिलर आई थी कि इसी तरीके से दो दोस्त गए, लेकिन जो टूर सर्टिफिकेट था उसमें उन्होंने एक्चुअल ऑनर का नाम मेंशन कर दिया, बजाय उसके उनका दोस्त गाड़ी लेके जाना चाह रहा था। तो जब आप वहाँ पर जाएं उनको ये बता दीजिएगा कि जी टूर सर्टिफिकेट में मेरे दोस्त का नाम आएगा या मेरे भाई का या एक्स वाई जेड जिसका भी नाम आएगा जो आपकी गाड़ी लेके जाना चाह रहा है। तो ये चीज़ वहाँ पर जब आप जाएँ ना, इस चीज़ को प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि वहाँ पर है ना आपसे गलती ना हो, वरना फिर आपको दोबारा जब वो पैसे रिफंड मतलब पे करने पड़ेंगे। अच्छा, आखिर में एक मेरी एडवाइस, अगर आप लोग अभी रमज़ान के साथ 7 अप्रैल है, आप रमज़ान में जाना चाह रहे हैं, तो मेरी आपसे एडवाइस ये है कि आप होटल्स वगैरह है ना अभी से बुक करें। तो खैर होटल्स के प्राइसेस काफ़ी वहाँ पे बढ़ गए हैं, मदीने में इनफैक्ट प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। मक्के में भी हैं लेकिन मदीने में, क्योंकि होटल्स वहाँ करीब में बहुत कम है, तो प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो अगर आप एक हफ़्ते बाद ट्रैवल कर रहे हैं तो बेहतर है अभी साहब होटल बुकिंग कर लें, क्योंकि आखिरी अशर में बहुत कम टाइम रह गया अब, तो उसमें आखिरी अशर में रश काफ़ी बढ़ जाता है, तो होटल्स वगैरह के प्राइस, सब चीज़ों के प्राइस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल से सऊदीया के लिए काफ़ी वीडियोस हो गई हैं और मुझे लोगों ने कहा सिंगापुर हो गया, तुर्की का वीज़ा की मैं बना चुका हूँ और भी जगहों के वीज़ा की बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह ट्रैवल भी करना है इंशाल्लाह मुझे, तो उसके भी वीडियो साथ साथ व्लॉग बनाएंगे। तो उम्मीद है सऊदीया के वीज़े के जो सवाल थे अब पूरे हो चुके होंगे, मेरे नहीं ख्याल अब बताने की मज़ीद ज़रूरत है। लेकिन भाई अगर आपने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखी, यकीनन फिर आपका कुछ सवाल होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल करने से पहले आप, हो सकता है मैं जवाब दे चुका हूँ तो वीडियो देख लिया करें, लेकिन उसके अलावा अच्छा काम है अगर फिर आपको किसी भी सवाल की मतलब कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई सवाल पूछना है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लोग जिनके पास है वो ऑलरेडी मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं। उसके अलावा अगर कोई, मेरे नहीं ख्याल अब कोई ज़रूरत है, सारी चीज़ बता चुका हूँ मैं। बहरहाल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।